ब्लॉगर का जो पहला फार्ट वेलकम बैक, इस कोर्स का जो पहला फार्ट है उसमें आप सीख चुके हैं कि आप किस तरह एक अच्छा डोमेन नेम, आप किस तरह एक अच्छा ब्लॉगर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं और कमेंट्स में आप कमेंट्स कर चेक कर सकते हैं कि कमेंट्स कितने हैं, या फॉर अर्निंग टैब जो है ये आपके ब्लॉग पर इनेबल नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्न योर पैशन इनटू अ प्रॉफिट। अगर आपके ब्लॉग, जब आपका ब्लॉग 6 महीना पुराना हो जाए तो फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई कर सकते हैं आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर कस्टम डोमेन लगाना पड़ेगा। तो या पेजेस पर आप, पेजेस के टैब पर आप अपनी वेबसाइट के पेजेस वगैरह जो आपने पब्लिश किए वो देख सकते हैं। लेआउट में आप अपनी वेबसाइट की जो लेआउट है वो देख सकते हैं। लेआउट पर थीम, या थीम में वेबसाइट क्रिएशन के ब्लॉग क्रिएट करने के वक्त जो आपने थीम सेलेक्ट किया था वो थीम यहाँ पर जाता है। आप कस्टम थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको तीसरी पार्ट में दिखाऊंगा कि आप किस तरह कस्टम थीम लगा सकते हैं आसानी से। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो फिर भी आप अच्छा सा थीम सेलेक्ट करके इस पर लगा सकते हैं। पर इस टैब में, सेटिंग के टैब में आप अपनी वेबसाइट की सेटअप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का टाइटल आएगा, यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी के टाइटल दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे टाइटल देनी है जो कि सर्च इंजन में जिसकी सर्च हो। तो फिर मैं यहाँ पर इसको गूगल में सर्च कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड मैं टाइटल दूंगा। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड गूगल पर सर्च कर ले, यहाँ पर नीचे सर्च रिलेटेड टू योर कीवर्ड वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारे कीवर्ड यहाँ पर ये वो कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं, तो आपने इन्हीं में से कोई एक को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, ये ड्रग्स इंफॉर्मेशन वेबसाइट, ये मैंने सर्च किया, ये मैंने यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने अपने ब्लॉग को ये नेम दे दिया। तो अब आपके ब्लॉग पर ये नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपके ब्लॉग, आपका ब्लॉग जो है वो किस चीज़ के मुताबिक है, तो आप यहाँ पर वो दे सकते हैं। विजिबल टू सर्च, इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन से हिडन करना चाहते हैं या वैसे, तो इसको आपने यस करना है। अगर ये नो हो, फिर यहाँ पर आप पोस्ट और कमेंट के सेक्शन पर आ जाइए। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के शो एट मोस्ट, या ये जो टैब है यहाँ पर, ये आप यहाँ से पोस्ट के सेक्शन में आपको वो पोस्ट से रिलेटेड आपने जो अपने ब्लॉगर पर जो पोस्ट करते हैं उसके रिलेटेड आपको सेटिंग करने हैं। यहाँ पर आप अपने ब्लॉग के होम पेज पर कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है का, यहाँ पर 7 है, तो आप यहाँ से ये तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर आप शोकेस इमेज विद, इसको यस करना है, तो आपके अगर आप इमेज दिखाना चाहते हैं अपने पोस्ट के साथ। यहाँ पर लिखा है हु कैन कमेंट, तो आपने यहाँ पर ये जो है यूजर विद गूगल अकाउंट इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कमेंट मॉडरेशन नेवर जो है आपको नेवर कभी नहीं करना, क्योंकि फिर लोग आपकी वेबसाइट पर लिंक, आपके ब्लॉग पर लिंक वगैरह कमेंट्स में डाल देते हैं, तो आपको इसको ऑलवेज पर करना है। और फिर यहाँ पर ईमेल, अपना ईमेल देना है, तो आपको उस ईमेल में एक इनविटेशन आएगा जिससे आप फिर कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर कमेंट फ्रॉम रीडर्स को
कोई मैसेज देना चाहते हैं कमेंट्स के मुताबिक तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ कि लेट्स से डोंट स्पैम ओनली एक्सप्रेस योर थॉट्स। मैं यहाँ पर जो चेंजेस कर लेते हो फिर आपने यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक करना है ताकि वो चेंजेस जो है वो सेव हो जाए। फिर इसके बाद आ जाती है ईमेल वगैरह अंडर ट्रांसलेशन इंग्लिश। यहाँ पर आपने लैंग्वेज अपने मिलाकर वगैरह का जो लैंग्वेज है टाइम जोन वगैरह वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च प्रेफरेंसेस आप ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है मीटा टैग डिस्क्रिप्शन इस ये डिसेबल है आपको इसको इनेबल करना है और फिर यहाँ पर सेव करना है। मैं आप अदर में भी गूगल एनालिटिक्स आपके ब्लॉग के विजिटर्स वगैरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं अपने ब्लॉग को एनालिटिक्स से कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी एनालिटिक्स में अपने ब्लॉग को ऐड करना है और फिर वहाँ से आईडी कॉपी करके यहाँ पर लगानी है। तो ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट वन वो आप टिम लगाए अपने ब्लॉगर पर। अच्छा टिम कैसे सर्च करना है उसको ब्लॉगर पर कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको सिखाएंगे।